हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया प्रैक्टिकल लेके। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिकल होने वाला है, ये होने वाला है हमारा कि हम जो सुरंग के अंदर वायरिंग करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो उसका जो सर्किट है वो पूरा मैं तैयार करके आपको इस मॉड्यूल के थ्रू समझाऊंगा। जो सुरंग होती है वो बहुत ही लंबी लंबी होती है, जैसे एक एक दो दो किलोमीटर लंबी होती है। तो इसकी अगर उसमें हम कनेक्शन जो पैरेलल में कर देंगे तो होगा क्या फ्रेंड, जैसे हम एक स्विच ऑन करेंगे वैसे ही हमारी पूरी सुरंग की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं, जैसे हमने एक छोटा मॉडल तैयार किया इसके अंदर ही हमने 5 LED ले ली, तो वहां पे क्या होता है एक एक दो दो किलोमीटर में ऐसे तो नहीं 5 LED काम आएगी, वहां बहुत सी लाइटें लगी रहती है, तो वो एक साथ चलेगी तो वहां बिजली की खपत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी चीज को देखते हुए कि बिजली की खपत बहुत कम हो, तो हम सुरंग की वायरिंग उस तरीके से करते हैं कि जहां पर हम मौजूद हो वहां की लाइट ऑन रहे, बाकी सारी लाइटें ऑफ रहे। तो जैसे जैसे अगर जैसे हम सुरंग में एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे लाइटें ऑन होती जाएगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे पीछे की लाइट ऑफ होती जाएगी, आगे की लाइट ऑन होती जाएगी। तो इसके जो कनेक्शन है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे आप मेरे पास यहाँ 5 स्विच है। तो ये जो स्विच है वो हम लेते हैं बल्ब के अकॉर्डिंग, जितने बल्ब हमारे को सुरंग के अंदर लगाने होते हैं उतने ही हम यहाँ पे स्विच जो 2-way स्विच है वो काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आप कॉन्टेक्टर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर दिख रहे होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले एक कॉन्टेक्टर हम फिक्स कर लेंगे बीच वाले को छोड़कर, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। जो ऊपर वाला है उसको उससे लेते हुए हम एक तार जोड़ेंगे जो कि हमारे सारे जो स्विच है उनको एक साथ कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इनमें एक तार कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो मैंने पूरे जितने भी स्विच हैं उनको मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर से यहाँ पे फिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेन सप्लाई के लिए एक तार निकाल दिया है यहाँ पे, जो कि इन्हीं जो स्विच है उनसे कनेक्ट है। अब यहाँ पे जो स्विच है उसके नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला कॉन्टेक्टर दिख रहा है आपको, उसको भी इन सारे स्विचों को भी उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इनको लूप किया है उन्हीं तरीके से इसको भी लूप कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने है इन तारों को यहाँ पे आप इन जो स्विच है उनको आपस में लूप कर लिया है। तो यहाँ जो ये आप येलो वाला वायर देख रहे हो इसको मैं न्यूट्रल मान लेता हूँ, और यहाँ पे सभी स्विच को यहाँ पे यहाँ लूप करते हुए मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। और जो ये ब्लू वाला वायर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा फेज, जो कि हमारे नीचे वाले कॉन्टेक्टर से हर एक स्विच को लूप कर रहा है। अब हमारे जो स्विच है उनमें डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में साथ जाएंगे। अब बाकी बच गए बीच बीच वाले सबके कॉन्टेक्टर, इनमें लगाएंगे हम जो हमारे LED है उनको। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे लैंप है उनके कनेक्शन स्विच के अंदर किस तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लैक और रेड वायर दिख रहे होंगे, ये हमारे जो लैंप है उनके हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से कनेक्शन होंगे, हम पहले लैंप के और दूसरे लैंप के एक एक सिरे को कॉमन कर लेंगे। तो जैसे हम ब्लैक वाला सिरा ले लेते हैं यहाँ पे पहले लैंप का, और यहाँ पे दूसरे लैंप का रेड वाला सिरा यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स पहले और दूसरे लैंप के एक एक सिरे कॉमन हो गए, उनको लगाएंगे हम पहले वाले जो स्विच है उसके बीच वाले कॉन्टेक्टर के अंदर। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले और दूसरे के एक एक टर्मिनल को है जो कॉमन करके बीच वाले कॉन्टेक्टर पे लगा दिया। अब हमारे दो जो लैंप पहले और दूसरा जो लैंप है उनके एक एक तार यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं। तो जो पहला वाला जो लैंप है इसका जो ये रेड वायर बच रहा है इसको लेंगे, और तीसरे वाले लैंप के एक वायर को यहाँ पे इसके साथ किसी भी एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहले का रेड वाला एक सिरा बच रहा था वो, और तीसरे नंबर के एक सिरे को मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया है, जिसको हम लगाएंगे दूसरे स्विच के बीच वाले कॉन्टेक्टर पे, इसको बीच वाले कॉन्टेक्टर पे लगा देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले के और तीसरे के मैंने जो पहले का एक सिरा उसको और तीसरे के एक सिरे को बीच वाले कॉन्टेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा जो लैंप है इसका एक सिरा और तीसरे लैंप का एक सिरा यहाँ पे बच गया है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे लैंप का एक सिरा बच रहा है उसको और यहाँ पे चौथे लैंप का जो है, यहाँ पे जो चौथा लैंप है उसके एक सिरे को यहाँ पे हम आपस में कॉमन कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूसरे लैंप के एक सिरा जो बच रहा था वो और चौथे लैंप के एक सिरे को यहाँ पे कॉमन कर लिया है। अब इन दोनों कॉमन तारों को हम यहाँ पे जो तीसरा स्विच है उसके बीच वाले कॉन्टेक्टर पे फिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो तीसरा लैंप है उसका यहाँ पे एक सिरा बच गया है लास्ट, और यहाँ पे जो चौथा सिरा है, चौथा जो लैंप है उसका भी एक सिरा यहाँ पे बच गया है। अब हम जो तीसरा लैंप है उसके एक सिरा जो बच रहा है वो लेके, और जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा लैंप है पांचवा लैंप उसके किसी भी एक सिरे को लेके यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तीसरे लैंप के एक सिरे को और पांचवें लैंप के एक सिरे को कॉमन कर लिया है। अब इसको हम लगाएंगे जो हमारे पास चौथा स्विच है उसके बीच वाले कॉन्टेक्टर पे, इसको फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको भी हम कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमारे पास बच गया चौथे सिरे, चौथे लैंप का एक सिरा और पांचवें लैंप का एक सिरा हमारे पास यहाँ पे बच गया। इन दोनों को भी हम आपस में कॉमन कर लेंगे। हमने फ्रेंड्स ये लास्ट जो लैंप बचे थे उनके दोनों सिरों को कॉमन कर लिया, और इन दोनों कॉमन किए हुए सिरे को जो हमारे पास लास्ट वाला जो पांचवा स्विच है इसके बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो कनेक्शन है वो मैंने कर लिए हैं, और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आप देख लीजिए एक बार।
तो फ्रेंड्स देख लिया होगा आपने इसका सर्किट और इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से इसके कनेक्शन किए हैं। और अगर आपको इस सर्किट की जो पीडीएफ है या इसकी सर्किट की जो इमेज है वो चाहिए तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो फ्रेंड्स करते हैं इनको ऑपरेट और दिखाते हैं किस तरीके से इनका वर्क होता है। तो मैंने यहाँ पे आप ये ब्लू और येलो वायर देख रहे होंगे जिनको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स जैसे ही कोई सुरंग के अंदर किधर से जिस तरफ से एंटर करेगा उस तरफ का स्विच ऑन करेगा, माना इधर से कोई जो वर्कर है वो एंट्री करता है तो एंट्री करेगा, तो जैसे स्विच को ऑन करेगा तो यहाँ पे एक साथ दो लैंप ऑन होंगे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, एक लैंप हमारा बंद होता जाएगा और दूसरा आगे वाला लैंप ऑन होता जाएगा। जैसे कि जैसे वो आगे बढ़ा, जैसे दूसरे स्विच को ऑन करेगा पहला वाला लैंप बंद हो जाएगा, उसके आगे वाले दो लैंप ऑन हो जाएंगे। अब फिर जैसे वो और आगे बढ़ेगा पीछे वाले लैंप बंद हो जाएगा और आगे वाले दो लैंप ऑन हो जाएंगे। अब जैसे और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे वाले सारे लैंप बंद हो गए, आगे वाले दो लैंप ऑन है। अब यहाँ से वो जैसे ही सुरंग से बाहर निकल जाएगा और इस स्विच को बंद कर देगा तो सारे जो हमारे लैंप है वो ऑफ हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई इधर से एंटर कर रहा है फिर जैसे इसको ऑन करेगा तो स्टार्टिंग के दो लैंप ऑन हो जाएंगे, फिर जैसे और आगे बढ़ेगा तो पहला वाला बंद हो जाएगा उससे आगे वाले दो लैंप ऑन रहेंगे, फिर जैसे और आगे बढ़ेगा तो हमारे पीछे वाले लैंप बंद होते जाएंगे, आगे वाले लैंप स्टार्ट होते जाएंगे और जैसे ही बाहर निकल जाएगा यहाँ पे हमारे सारे लैंप बंद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।